ओम शांति। मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर लखनऊ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कार्पल टनल सिंड्रोम में कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो इससे पहले ऑलरेडी एक हम लोगों ने वीडियो बनाई है, कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है, किस वजह से होता है, क्या सिम्टम आते हैं, कैसे हम टेस्ट करते हैं कि कार्पल टनल सिंड्रोम है कि नहीं, फिजिकल टेस्ट कैसे करते हैं, न्यूरोडायनेमिक्स टेस्ट कौन कौन सी होती है और उसका क्या इंटरप्रिटेशन होता है, इसके विषय में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। प्लस इसके अलावा ये बीमारी में माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर दो तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया है, एक तो NCV के थ्रू और दूसरा हम लोगों ने नॉर्मल जो सिम्टम और जो आते हैं उसके हिसाब से दोनों ग्रेड हमने डिस्कस कर रखे हैं उसमें, और कौन से नॉर्मल टेस्ट करने चाहिए जिससे कि पता चले कि टनल सिंड्रोम है कि नहीं। तो दोस्तों, इसको देखने के लिए इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों, एक्सरसाइज जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है। तो इसके विषय में थोड़ा मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि जो हमारे ब्रेन से नसें आती हैं, जो गर्दन सर्वाइकल स्पाइन से होते हुए हमारे हाथ को सप्लाई देती है, तो ये जो नर्वस सिस्टम की नसें हैं ये आके हमारे, सबसे पहले यदि मैं बात करूँ, थंब की, इंडेक्स फिंगर की, मिडिल फिंगर की और थोड़ा सा रिंग फिंगर के एरिया को सप्लाई देती है। इस नर्व को हम मीडियन नर्व बोलते हैं। ये जो मीडियन नर्व का पाथवे है जो निकल के आती है, ये हमारे कलाई से होते हुए इस एरिया में जाती है। दोस्तों, यहाँ एक टनल होता है। टनल का मतलब, जैसे आप रोड पे देखते होंगे कि ऊपर से गुफा जैसी बनी होती है और नीचे से टनल से कार जाती है, इसी तरह पीछे हमारे कार्पल बोन है और आगे हमारे ये 9 टेंडन हैं आगे जाने के लिए। उसी के साथ हमारा मीडियन नर्व है जो आगे की तरफ जाके इस एरिया को सप्लाई देती है, और इसके ऊपर से ट्रांसफर फ्लेक्सर रेटिना कुलम लिगामेंट होता है जो कि इस एरिया में आगे से इसको रैप किया होता है। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि इसमें टाइटनेस हो जाने की वजह से, अंदर इन्फ्लामेशन हो जाने की वजह से, सूजन हो जाने की वजह से वो कंप्रेस करने लगता है और उसकी वजह से इस एरिया में झंझनाहट, टिंगलिंग सेंसेशन, पेन का एहसास होने लगता है। और इसके अलावा दोस्तों, यदि मैं बताऊं तो ज़्यादा सीवियर कंप्रेशन होने पे हाथ की मांसपेशी पतली होने लगती है और मसल वेस्ट होने लगता है और कभी कभी पेन आगे तक आने लगता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें ट्रीटमेंट क्या होता है। तो ट्रीटमेंट की यदि मैं बात करूँ दोस्तों, तो घर पर आपके लिए कुछ एक्सरसाइजेज मैं गाइड करूँगा जो आपको करना है, लेकिन एक्सरसाइज करने से पहले हमेशा हॉट फर्मेंटेशन करना है। हॉट फर्मेंटेशन में सबसे बेहतर पार्ट क्या है कि जब हम सिकाई करते हैं तो उस एरिया में सॉफ्टनिंग आ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन रिच हो जाता है और वहाँ जो हमारी सप्लाई रिच होने की वजह से काफ़ी बेहतर होता है। तो सिकाई की यदि मैं टेक्निक बताऊँ दोस्तों, तो ये जो आप देख रहे हैं कि टॉवल ले लेनी है और टॉवल को 3 से 4 फोल्ड एक छोटे टॉवल को रैप कर दिया, और या हैंकी एक तरीके से बोल सकते हैं, इसको रैप करके गरम पतीले के भगोने में गरम कर लिया। जब स्टीम्ड हो जाए दोस्तों, तो उसको निकाल के दूसरे टॉवल में लगा देना है और वहाँ पे इसको स्प्रेड कर देना है, और जो टॉवल लगानी है उसको भी ऑलरेडी 3 फोल्ड बना के रखना है जिससे कि उसके ऊपर रखने पे वो इजीली फैल जाए, और उसको 3 रैप करके इस पर लगा दिया। इसका फ़ायदा क्या होता है, देखिए जो लगाना है वो एरिया हमारा, ये जो रिस्ट का एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक का रहेगा जिसमें कि ये सिकाई होगी। और दोस्तों, इस सिकाई में खासियत ये रहेगी कि जब हम लोग 4 रैप किए हुए हैं तो ये 15 मिनट तक सिकाई होगी। इसमें जब ठंडा होने लगे तो टॉवल का 1 फोल्ड खोल दें, फिर ये गर्म हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, यदि मैं एक्सरसाइज की बात करूँ तो सबसे पहले वार्म अप एक्सरसाइज करनी है। उसमें क्या करना है, ईजिली अपने हाथ को मुट्ठी बंद करना है और खोलना है, मुट्ठी बंद करना है, खोलना है, सबको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, केवल मोबिलाइज करना है। इसके अलावा रिस्ट को आगे के तरफ और पीछे के तरफ, आगे के तरफ और पीछे के तरफ इसको क्या करना है, मूव करना है। बहुत एक्सेसिव नीचे भी नहीं लाना है, एक्सेसिव ऊपर भी नहीं ले जाना है, आराम से करना है क्योंकि हम वार्म अप कर रहे हैं। नेक्स्ट में दोस्तों, इसको पाम को डाउन कर दिया और इसको अंदर के तरफ और बाहर के तरफ ईजिली, लेकिन ये ध्यान रखना है कि एक्सेसिव नहीं करना है, कहीं भी बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों, हम लोग टेंडन ग्लाइड एक्सरसाइज करते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि 9 टेंडन अंदर से गए हैं और एक मीडियन नर्व भी गई है, तो अधेशन होगा तो टेंडन से भी ये दबने के चांसेस रहता है जब ऊपर से प्रेशर आता है। तो जब हम लोग टेंडन ग्लाइडिंग करते हैं तो क्या होता है, जब ये नर्व या टेंडन आपस में ऐसे ग्लाइड करते हैं तो अंदर का अधेशन कम हो जाता है और वहाँ स्टिफनेस कम हो जाती है, सूजन कम हो जाती है और काफ़ी रिलीफ देती है। तो इसमें क्या करना है, इसके 5 स्टेज हैं
हैं, सबसे पहले स्टेज में क्या करना है दोस्तों, अभी मैं सिखाने के लिए हाथ ऐसे कर लेना है, और इसके बाद सबसे पहला होता है जिसमें कि हम हुक बनाएं और 3 सेकेंड तक रुकना है, 1 2 3, फिर सीधा किए। सेकेंड में क्या करना है, हमें फिस्ट बनाना है और स्क्वीज करना है, 1 2 3। आप देखेंगे जब मैं मूवमेंट कर रहा हूँ तो यहाँ टेंडन में जो है ना मूवमेंट आपको दिखेगा। 3 सेकेंड होल्ड करना है, फिर सीधा करना है, फिर हमें क्या करना है नेक्स्ट में एल बनाना है, 1, देखिए टेंडन दिख रहा है, 1 2 3, देन सीधा करना है, और फोर्थ में पूरा इसको लाना है और पाम से फिंगर को टच करना है लेकिन फिस्ट नहीं बनाना, 1 2 3, 3 सेकेंड रुकना है। ये दोस्तों 1 रिपीटेशन हुआ, इसको 10 रिपीटेशन आपको करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये हमारा मोबिलाइजेशन एक्सरसाइजेज हो गई, ग्लाइडिंग एक्सरसाइज हो गई, नेक्स्ट में हम लोग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करेंगे। स्ट्रेंथनिंग में क्या करेंगे, हम लोग एक डंबल ले लेंगे और डंबल लेकर के रिस्ट को इक्वली किसी चीज़ के सपोर्ट पर रख देंगे या दूसरे हाथ से ऐसे रखेंगे और केवल ऊपर की तरफ लाएंगे, 1 2 3 4 5, देन नॉर्मल, और फिर नॉर्मल से ऊपर, 1 2 3, देन नॉर्मल, इसको 10 रिपीटेशन करेंगे। इसके अलावा दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि टेबल पे, यदि मैं बोलूँ कि टेबल पे इस हाथ को रख लेंगे, यहाँ टेबल नहीं है बट यदि टेबल पे इस हाथ को रख लेते हैं और इस एरिया को, ये न्यूट्रल रहेगा जैसे आप देख रहे हैं न्यूट्रल रहेगा, और दूसरे हाथ को ऊपर रखना है और फिर इस हाथ को ऊपर की तरफ लाने की कोशिश करते हैं, जिसको आइसोमेट्रिक मूवमेंट बोलते हैं कि इसको ऊपर लाने की कोशिश तो करेंगे लेकिन मूवमेंट नहीं होगा, तो ऊपर की तरफ करेंगे, 1 2 3 4 5, देन रिलैक्स, 1 2 3 4 5, तो बिना डंबल के भी आप इस मसल को आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें एक इस तरह का जेली बॉल आता है जिसको आपको खरीद लेना है, ये ऑनलाइन इजीली मिल जाता है, तो इसकी यदि इमेज भी आप डाल देंगे तो ऐसा मिलता जुलता इमेज आपको मिल जाएगा। ये सॉफ्ट जेली होती है, इसमें क्या करना है कि अपने फिंगर को लगा लेना है और लगा के और हाथ को बाहर की तरफ ले जाना है। दोस्तों जब इसको हम बाहर की तरफ ले जाते हैं तो ये जो हमारी एक्सटेंसर मसल है, ये एक्सटेंसर मसल में स्ट्रेंथनिंग होती है। 5 सेकेंड होल्ड करना है, फिर नॉर्मल करना है, फिर इसको बाहर की तरफ ले जाना है, 1 2 3 4 5, थोड़ा और बेटर करना है और अच्छा पावर है तो इसको किनारे पर रखनी है और फिर खोलने की कोशिश करना है, 1 2 3, ये हमारी स्ट्रेंथनिंग होगी दोस्तों। और एक इसी में ये जैसे आप देख रहे हैं कि जेल बॉल है, इसको स्क्वीज करना, बट ध्यान रहे कि रिस्ट हमेशा स्ट्रेट रखना है इसमें, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। इसके बाद अब आती है दोस्तों स्ट्रेचिंग की बारी, तो स्ट्रेचिंग में हमें क्या करना है, हाथ को नॉर्मली ऐसे रखना है और थंब को हमारा, सबसे पहले थंब को नीचे से हाथ ले जाके, यदि इस हाथ की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो नीचे से हाथ ले जाके इसको पकड़े और इसको स्ट्रेच करें। ये ध्यान रखें कि इसका जो लेवल होना चाहिए वो यहाँ से ये बराबर होना चाहिए, तो यदि आप देखेंगे जब ऐसा करेंगे दोस्तों तो थंब को हम लोग पकड़ के कर रहे हैं तो ऐसे में इस एरिया में स्ट्रेचेज आएगा, ओके। तो इसको 5 सेकेंड होल्ड करना है, बट ध्यान रखें रिस्ट को बहुत ज़्यादा मोड़ने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेचेज हमारे इस एरिया में आने चाहिए और जितना आराम से जाए और पेनफुल नहीं होना चाहिए और कहीं भी झंझनाहट नमनेस नहीं बढ़नी चाहिए और इसको बराबर रखना है। तो इसको 5 सेकेंड होल्ड किया और दोस्तों 5 से 6 बार इसको आप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये 4 फिंगर को ऐसे स्ट्रेट रखना है, फिंगर के ऊपर ये हाथ को लगाना है और फिंगर को स्ट्रेच करना है। जब फिंगर को आप स्ट्रेच करेंगे तो इस एरिया में स्ट्रेचिंग फील होगी। कुछ लोग क्या करते हैं इसको बहुत ज़्यादा करके और यहाँ पर स्ट्रेच करते हैं, इसको स्ट्रेच नहीं करना है, फिंगर को स्ट्रेच करना है, तो इससे आपको काफ़ी इस एरिया में स्ट्रेचिंग होगी। और इसको 5 सेकेंड होल्ड करना है और 4 से 5 रिपीटेशन करने हैं। तो ये दोनों हो गया दोस्तों। इसके बाद हमारी आती है मीडियन नर्व की ग्लाइडिंग करना। मीडियन नर्व हमारी जो जा रही है, क्योंकि अभी हम लोगों ने टेंडन को ग्लाइड कर दिया, सबको ग्लाइड किया, इसी तरह जो हमारी मीडियन नर्व यहाँ से यहाँ तक जा रही है, जब वो अधेशन हो जाता है, वहाँ रोकने लगती है तो स्टिफ हो जाता है, तो हमें उसकी भी ग्लाइडिंग करनी है। उसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले गर्दन को स्ट्रेट रखना है और हाथ को साइड में ले जाना है और इसको ध्यान रखना है कि हमारा जो शोल्डर है और हमारा ये पाम का जो ये रिस्ट का एरिया है ये एक बराबर होगा और यहाँ पे दोस्तों पहले जाके नॉर्मली गर्दन सीधी रहेगी और 5 बार केवल रिस्ट को नीचे ले जाना है और नॉर्मल लाना है।
ठीक है, क्योंकि किसी में ज़्यादा अधेशन रहेगा तो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेच ना आए, इसको आराम से करना है और रिलैक्स करना है। नेक्स्ट में दोस्तों गर्दन को साइड में ले जाना है और फिर आप देखेंगे कि इस एरिया में स्ट्रेचेस फील होंगे। यस, गर्दन को साइड में ले जाना क्योंकि इस एरिया में स्ट्रेचेज आ गए और जब हम इसको ऊपर रखेंगे तो नॉर्मल आएगा, जैसे इसको नीचे ले जाएंगे आपको पता चलेगा कि ये पूरे एरिया में खिंचाव हो रहा है। तो इसको 10-15 टाइम्स हम लोग इसको कर लेंगे। तो दोस्तों हमारी नर्व की ग्लाइडिंग हो गई, हमारे टेंडन की ग्लाइडिंग हो गई, हमारे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हो गई, हमारे मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज हो गई, हमारी सिकाई हो गई। तो ओवरऑल यदि मैं बोलूं तो एक एक कंप्लीट एक्सरसाइज हो गया। लेकिन बचाव भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, कि इसको हमें बचाना भी है कि फर्दर क्या ऐसा करें कि प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों जैसे मैंने आपसे बताया था कि सेल्फ रिलीज टेक्निक बताएंगे, दोस्तों क्लिनिक पे हम लोग बहुत तरह का ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे लेज़र का ट्रीटमेंट हो गया, PEMF का ट्रीटमेंट हो गया, ऐसे बहुत सारी मॉडलिटीज़ हमारे पास हैं जो हम यूज करते हैं और रिलीज़ करने के लिए ISTM टूल यूज करते हैं जैसा आप देख रहे हैं। लेकिन ये घर पे तो होगा नहीं, तो उसके जगह पे आप स्पून ले सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए कि बहुत शार्प एजेस स्पून ना हो, जो थोड़ा मोटा वाला होता है उसको हम लोग यूज करेंगे। और इसमें क्या करेंगे दोस्तों कि एक वेसलीन ले लेंगे, जो न्यूट्रल पेट्रोलियम जेली होती है, वाइट पेट्रोलियम जेली ले लेना, लुब्रिकेंट की तरह, या ऑयल भी यूज कर सकते हैं। और ले करके इसको इस एरिया को आराम से रख के इसको हल्का सा सपोर्ट करके और इसको मसाज करना है हल्के हल्के हाथ से नॉर्मली इस एरिया में। इसके बाद क्या करना है कि स्पून ले लेना है और स्पून से सबसे पहले इस एरिया को छोड़ देना है और यहाँ से ऊपर की तरफ मसाज करना है, बहुत स्लोली बहुत स्लोली, बहुत जल्दीबाजी नहीं, इसको हल्का सा 25 से 30 बार करना है आराम से इस एरिया में। यहाँ से लिया और ऊपर की तरफ, फिर यहाँ पे लेके इस नीचे से ऊपर की तरफ लेना है, गुड, आराम से। इससे क्या होगा, इस एरिया में अच्छा सा मसाज फील होगा आपको और स्लोली इसको रन करना है। नेक्स्ट में ये इस एरिया से भी करेंगे हम लोग। यस यस, इसके बाद दोस्तों इसी स्पून से इजीली हम लोग इस एरिया को भी रिलीज करेंगे। ये जो हमारा ट्रांसवर्स एरिया है, इसका जो एरिया है इसको रिलीज करेंगे। तो लगभग 25 से 30 बार यहाँ करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे काफ़ी बेटर होगा दोस्तों और यहाँ काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे आप। यदि कभी भी पेन हो रहा है तो इस एक्सरसाइज को नहीं करना है और नियर बाई डॉक्टर को जाके दिखाना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।